तो इस प्रॉब्लम में एक सम को इवेल्युएट करता है, तो के इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी अपन को सम करना है साइन ऑफ के डिवाइडेड बाय के का। तो अगर यहाँ पर साइन के की टर्म नहीं होती तो ये बेसिकली समेशन के की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी 1 बाय के होती, जो कि एक हार्मोनिक सीरीज है और ये डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर साइन के की टर्म की वजह से कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पर देखते हैं इसका सम कैसे फाइंड आउट कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको अपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे साइन एक्स को, जो कि ई रेस टू पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 2 y हो जाएगा। तो तुम्हें पता है ऑयलर्स फॉर्मूला से ये इस तरीके से, तुम यहाँ पर इन दोनों का सम और डिफरेंस लेके कॉस और साइन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अपन को साइन चाहिए, तो अगर तुम दोनों का डिफरेंस लोगे तो कॉस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और साइन यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं। तो अगर ये पुट करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इस सीरीज को 2 पार्ट में स्प्लिट करता है, तो एक ये सीरीज है और एक ये सीरीज है। इस सीरीज को मैं I1 बोल देता हूँ, और ये नेगेटिव के साइन को इंक्लूड करते हुए जो दूसरी सीरीज है वो I2 बोल देता है। तो I1 है अपनी ये सीरीज, तो यहाँ पे 1 बाय 2 I कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लिया, ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर तुम देखोगे ई रेस टू पावर आयोटा के है, तो यहाँ पर इसको नोटिस करोगे तो इसको तुम ई रेस टू पावर आयोटा की होल पावर के लिख सकते हो। और यहाँ पर तुम्हें पता है एक्स रेस टू पावर के डिवाइडेड बाय के वाली जो टर्म्स होती है, ये टर्म्स यहाँ पर तुम्हें पता है ln(1+x) के एक्सपेंशन में आती है। तो अगर तुम वो यहाँ पर अप्लाई करो, तो जैसे कि तुम्हें x-x²/2x³/3 इस तरीके का, तो यहाँ पर अगर तुम एक्स की जगह ई रेस टू पावर आई रख दो, ये इस तरीके का बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ रहा है, तो यहाँ पर इसको अपन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर -1 की पावर 2 के लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो अभी भी 1 ही होगा। -1 की कुछ भी 1 पावर लोगे तो उस पर उससे इस सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो नेगेटिव का साइन है उसको मैं इस ई रेस टू पावर आई के साथ ले लेता हूँ, तो ये -(e)^i)^k बन जाएगा, और 1 -1 की पावर के इधर बचा हुआ है। और वो ln(1+x) को अपन सम कॉम्पैक्ट सम के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तुम चेक कर सकते हो ये और ये सम सेम ही है। तो यहाँ पर -1 की पावर अभी भी k+1 आ रहा है, तो एक नेगेटिव का एक -1 और चाहिए यहाँ पर। तो एक नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई 2 बार मतलब करेंगे, तो एक नेगेटिव यहाँ पे बच जाएगा और एक इधर अपन यूज में ले लेंगे। तो यहाँ -1/2 i बच गया, और ये अब तुम देखोगे तो ये ln(1-e)^i इस तरीके से आ जाएगा। तो ln(1+x) की जगह -(e)^i पुट कर देंगे, इस तरीके से आ गया। वैसे जो सेकंड सम है उसमें यहाँ पर तुम इसको क्या लिख सकते हो, e^-i)^k। और अगेन यहाँ पर मैंने -1 की पावर 2 k से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस -1 को फिर मैंने इसके साथ इंक्लूड किया, तो अभी भी यही बचा है। और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन था शुरू में, मैंने माइनस के साथ लिया था उस सम को। तो अभी इधर से अपन को एक माइनस का साइन और चाहिए, क्योंकि -1 की पावर k+1 बनाना है सीरीज में, तो उसको इधर यूज कर लेंगे यहाँ पर सीरीज देखोगे तो। और इसको अगेन फिर यहाँ पर ln(1-e)^i लिख सकता है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब दोनों का सम कर देता है, यहाँ पर 1/2 i कॉमन आ जाएगा, और लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको इस तरीके से लिख सकता है। यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये -1/e)^i आएगा, ये ln में ये आ गया। अब यहाँ पर तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो ln(1+ln(-e)^i, ये 1 तो 0 हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर ये सोच रहे होगे कि लॉग में नेगेटिव कैसा आ रहा है, तो रियल नंबर के लिए नेगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो अपन यहाँ पर लॉग के अंदर नेगेटिव आर्गुमेंट भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो इस तरीके से आया, तो इसको अगेन तुम यहाँ पर, तुम्हें पता है कि e^i यहाँ पर -1 होता है, तो e^i यहाँ पर -1 होता है। तो ये ln(-e)^i था, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया ln(-1+ln(e)^i, और -1 की जगह कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट e^i पुट कर दिया।
तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो आयोटा टाइम्स पाई आ जाएगा और इधर सिर्फ माइनस का आयोटा आ जाएगा और ये इस आयोटा से ये कैंसिल हो जाएगा और ये पाई -1/2 इस तरीके से आ जाएगा। तो जो फाइनल समय समेशन के की वैल्यू 1 to infinity साइन ऑफ के डिवाइडेड बाई के, ये यहाँ पर पाई -1/2 आ गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।